अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूं ये है कि आप किस तरीके से न्यू ईयर दुबई के अंदर सेलिब्रेट कर सकते हैं, जो कि एक वर्ल्ड फेमस डेस्टिनेशन है। पूरी दुनिया से लोग जो है वो ट्रैवल करते हैं और यूएई जाके अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। उसका मेन रीजन क्या है कि दिसंबर के एंड में पूरे यूरोप में और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और तमाम बड़े कंट्रीज में स्नोफॉल का टाइम होता है, विंटर चल रहा होता है, जबकि दुबई एक थोड़ा सा ऑलमोस्ट 25 से 20 सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। दोस्तों दुबई एक और कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपने अगर अभी तक कहीं भी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया तो आपके लिए दुबई सबसे इजीएस्ट, चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट हो सकती है डेस्टिनेशन, जहां पे आप बहुत ही फास्ट जो है वो जा सकते हैं और वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और न्यू ईयर और क्रिसमस का बहुत अच्छा टाइम है, जिनकी वजह से आप जो है वो आपका पर्पस स्ट्रांग होगा। तो दोस्तों दुबई के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप एक इंटरनेशनल कंट्री में जाते हो तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। हम अभी जो ऑफर दे रहे हैं उसके अंदर ये कि यूएई का 30 डेज का वीजा, जिसमें से आपने 10 टू 15 डेज जो है वो यूएई के अंदर गुजारने हैं, वरना 30 डेज का आपके पास वीजा है, रिटर्न टिकट, ये दो चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके बिहाफ पे आप अपना न्यू ईयर और क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो अभी आपका क्वेश्चन ये होगा कि न्यू ईयर और जो क्रिसमस है वो तो बहुत दूर है, दिसंबर के एंड में है, तो मैं अभी से वीडियो क्यों बना रहा हूं। उसका मेन रीजन ये है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड से लोग आ रहे होते हैं और जो एयरलाइंस हैं उनके रेट्स जो है वो बहुत हाई चले जाते हैं। तो अगर आप प्लान करना चाहते हैं, अगर आप इस अपना न्यू ईयर को एक बेस्ट तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में आपको अभी से जो है वो अपनी टिकट बुक करवानी चाहिए, अपना वीजा करवाना चाहिए और प्रॉपरली प्लानिंग करनी चाहिए, जिसके जरिए आप जा सकें। तो दोस्तों हम जो सर्विस दे रहे हैं इसके अंदर जो है वो वीजा इंक्लूडेड है और रिटर्न टिकट इंक्लूडेड है, क्योंकि आपको पता है रिटर्न टिकट हर जगह से डिफरेंट होती है। लेट्स से कराची से डिफरेंट है, इंडिया में अगर हम बात करें तो दिल्ली से डिफरेंट है, किसी और एरिया से बात करें तो डिफरेंट है, प्राइसेस हमेशा डिफरेंस होती हैं, तो कोई आप एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता सकते। ये जो चेक की जाएगी और जो सबसे चीपर आ रहा होगा हम वो आपको फिर बता सकते हैं। अगर आपको पसंद होगा तो आप ले सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं होगा तो आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी से जो है वो अपनी टिकट करवा सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ये जो न्यू ईयर का ये पैकेज देने का मेन पर्पस क्या था, हमारे पास जो कॉल्स आती हैं उनमें से 70% ऐसे लोग होते हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल नहीं होती, और किसी भी बड़े कंट्री के लिए ट्रैवल हिस्ट्री इज कंपलसरी, वो बेसिक सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से आपका विजिटर वीजा स्पेशली जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो बाय द वे ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप ट्रैवल हिस्ट्री को मेंटेन कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में यूएई इज आपकी फर्स्ट डेस्टिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजीएस्ट है, बहुत फास्टेस्ट है और बहुत रीजनेबल प्राइस में है। तो बाय द वे दोस्तों प्राइसेस जो वीजा की हैं वो हम लोग 400 दरम चार्ज कर रहे हैं पर वीजा का, विच इज वन मंथ का वीजा होगा, और टिकट्स का जो है वो डिपेंड करता है, जैसे अभी मैं कराची का देख रहा था तो कराची का वीजा प्लस टिकट जो है वो 65,000 तक आ रहा था, और दिल्ली से मैं देख रहा था वीजा प्लस टिकट रिटर्न टिकट जो है वो अराउंड 49,000 तक आ रहा था। तो बाय द वे टिकट्स फ्लक्चुएट कर सकती हैं, इनमें प्राइसेस थोड़ी अप डाउन हो सकती हैं, तो आपने मेंटली तौर पे प्रिपेयर रखना है। लेकिन जो सबसे बड़ा मेरा मिशन है वो ये है कि जब मुझे यूएई आना था तो बिलीव मी मुझे कोई एक पर्सन भी गाइड करने वाला नहीं था, मुझे यूएई का कोई वीजा प्रोवाइड करने वाला नहीं था। मैं एक छोटे से एरिया से जो है बिलोंग करता हूं, तो वहां पर कोई इतनी बड़ी ट्रैवल एजेंसी भी नहीं थी जो कि इनका वीजा करती, और वैसे भी आप किसी ट्रैवल एजेंसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, यू नो लाइक इट्स वेरी हार्ड कि आज के दौर में आप किस पे ट्रस्ट करें, लोग तो 10-10,000 के लिए बैठे हैं। तो बाय द वे दोस्तों हम ये जो सर्विस लेकर आए हैं इसका मेन पहला पर्पस क्या है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, आप अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट न्यू ईयर सेलिब्रेट करें, जो कि आज तक आपने अपनी पूरी लाइफ में नहीं किया होगा, आपकी एज 30, 40, 50, 60 जितनी भी है, और अगर आपने इंटरनेशनली ट्रैवल नहीं किया तो बिलीव मी ये आपका एक्सपीरियंस जो है वो अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है, नंबर वन चीज ये, ठीक है। मेरा मेन जो पर्पस है वो ये कि आपकी लाइफ में खुशियां लाना, नंबर वन चीज ये। नंबर टू चीज ये, इससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी जो कि आगे फ्यूचर में आपके किसी भी बड़े कंट्री के लिए बहुत ज्यादा कारामद होगी। तीसरे नंबर पे ये रीजनेबल पैकेज है और मेरे ख्याल में हर बंदे को जो है वो अवेल करना चाहिए। हमारा टारगेट 100 पीपल्स का है कि 100 लोग जो है वो दुबई आके न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे हमारी सर्विस के थ्रू। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको जो है वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करना
करना है दुबई के अंदर, तो हमें बहुत खुशी होगी अपनी सर्विस प्रोवाइड करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, और उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो आप समझते हैं कि लाइक फाइनेंशियली इतने स्टेबल हैं और वो इंटरनेशनली ट्रैवल कर सकते हैं और उन्होंने अभी तक कभी ट्रैवल नहीं किया। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।